ये सब अभी मेरे को मुझे मतलब जब समझने लगा पांच छह साल का था तभी से जीवन में जो संघर्ष था ना अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है आपको बता नहीं है बेटे आप ही बता दोगे तो मैं क्या बताऊंगी जी 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 बताइए आप माँ से बात कर रहे हैं जिन्हें केवल फोन लगाना है और माँ मेरे जीवन काल के बारे में बताइए जी 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 बचपन में, में मेरा कैसा रहा जीवन में अभी यंग अवस्था में कैसा था अभी मेरी स्थिति क्या है बोलिए कि माँ मैं अभी आर्थिक स्थिति मेरी कैसी है मानसिक स्थिति कैसी है ना शारीरिक स्थिति कैसी है ये सब आप पूछें, मैं तो भी नहीं पूछे बता देती हूं बेटे जीव। इसलिए जीव। आपको कुछ बोलना नहीं है कि आप ही बोलेंगे फिर मैं उसी को कॉपी पे मतलब दोहरा दूँ उसको तो वो मुझे नहीं आता फिर <laughs> नहीं ठीक है आपको इतना ज्ञान नहीं है आप माँ है गुरु माँ है तो आप हमको मतलब सीखा हो ये सब जानती है ममता मई इसीलिए तो कहते हैं उनको माँ ममता की खान है जी करुणा की खान है करुणा मई है ममता मई है माँ और माँ में ही सृष्टि समायी हुई है माँ से ही हम सारे यथा व्यथा कहते हैं फिर वो पिता तक पहुँचाते है पिता से बात करने की सामर्थता नहीं है हमारी नहीं। माँ ही हमारा पह, पहले के पास ही जाते है हाँ इसीलिए तो माँ, तो माँ से बात करेंगे तब वो बाबा भोलेनाथ से कहती हैं कि पुत्र को ये परेशानी है आपको जाना है और ठीक करना है जी, जी, जी ऐसा है बेटे आपका जीवन जो है बाल्यकाल से ही आप ना कष्ट में डूबे हुए हैं बराबर और बाल्यकाल काल से ही आपको आपके अपनों ने ही नहीं समझा आपके परिवार ने ही आपको नहीं समझ पाया और आज भी नहीं समझ रहे जी जी बराबर है। जिनके लिए जिस परिवार के लिए आपने तन मन और धन से भी सहयोग किया आज वो आपको पहचानने से भी इनकार करते हैं ये सत्य है या नहीं बेटे सच तो है ये सही है।, है हाँ और आपका जो है आपकी भावनाओं का शोषण बहुत हुआ है बेटे जिनने जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ा है तो स्वार्थ के ही भाव से जुड़ा है जी जी, जी। और उसका अपना स्वार्थ सिद्ध हुआ और आपको नमस्ते करने को भी याद नहीं रहता कि मैं इनको धन्यवाद व्यक्त कर दूं प्रणाम कर दूं। बराबर एकदम सही है सही, सही बताया ऐसा है संघर्ष आपका बहुत हुआ लेकिन आपने ईश्वर की आराधना नहीं छोड़ा चलती फिरती भक्ति की है लेकिन करते रहे जो भी ज्ञान है ऐसा ज्ञान देने वाला कोई है नहीं अपने मन से भक्ति भाव से मैं जो भी आता है करता हूँ मनमुखी होकर के आप तक आपने जीवन यापन किया है लेकिन मनमुखी जीवन में बिता करके आप अपने आप का धैर्य बंधाए रखे हैं ये बड़ी बात है आपके लिए साहसपूर्ण जो आप जीवन जी रहे थे मार्गदर्शक नहीं मिलने के मार्गदर्शक करता नहीं मिलने के बाद भी आपने अपने जीवन को इतनी सुलभता से और इतनी सरलता से यापन किया है और फिर भी आप मुस्कुराते रहते हैं बेटे व्यक्त नहीं होता किसी को कि आपके अंदर घोर कष्ट है जी जी आप मुस्कुराते रहते हैं इसमें भी लोगों को जलन होती है <laughs> ये सुखी है तो सुखी है हाँ, इसकी परिस्थिति तो देखो कितनी डामा डोल हो रही है डगमगा गया है जीवन इसके बाद भी ये व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो फिर भी उनको जलन होती है होती है कि नहीं बताइए होती है होती है होती है तो आपकी मुस्कुराहट को बरकरार रखने के लिए ईश्वर आपके साथ रहता है ना बेटे तभी तो मुस्कुराहट देता है कि भगवान आपने मुझे इस धरा पर भेजा है आपके भाव होते हैं कि हे भगवान आपने मुझे इस धरा पर भेजा है और ये माया जाल में भेज दिया और ये माया नगर में मैं रह करके इन माया को देखते जा रहा हूँ कि मेरे साथ कितना छलावा कर रहे हैं और कितना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है इनका मेरे से और मुझे प्रताड़ित करके ये प्रसन्न हो रहे हैं और मैं आपको देख करके प्रसन्न हो रहा हूँ कि जय भगवान आपने मेरे लिए अपना हृदय खोल के रखा है कि तू मेरे हृदय में रहे और इस संसार को बैठ करके देख तुझे कितने कितने चाहने कितने लूटने वाले वाले हैं हैं चाहने नफरत करने वाले हैं ये सब को आप बैठे बैठे देखते रहे लेकिन करके रहे लेकिन धैर्य धारण करके तो आज आपको ईश्वर की भी प्राप्ति होने वाली है और जिस मनुष्य के जीवन में ईश्वर की कृपा होती है जिस मनुष्य के जीवन में इष्ट देवी देवता कुल देवी देवताओं की जब कृपा होती है तो ये संसार आपके चरणों में होता है बेटे क्योंकि ये संसार के प्रत्येक व्यक्ति के दो ही हाथ हैं, चार नहीं है किसी के बड़ा, बड़ा, और बड़ा। दो हाथ से वो आपका कितना समेटेगा और आपको कितना दे देगा जो इनसे हमने हित लगा के रखा इनसे प्रेम बना के रखा की ये मेरा हितकारी होगा मेरा हिते होगा जब हम उस परमात्मा से प्रेम करते हैं तो परमात्मा के अनंत हाथ हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत पैर हैं। सर्वत्र व्याप्त है वो कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना जब ईश्वर की कृपा जिस भक्त पर हो जाती है तो पूरे संसार वाले फिर उस भक्त के इर्द गिर्द घूमते हैं अपन को बटोरने की जरूरत नहीं पड़ती बेटे संसार खुद ही बटोरा चला आता है कि इनको परमात्मा परमात्मा की की प्राप्ति है की भक्ति करते हैं तो हम खुद नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा हो जाए कि भैया इन्हीं को प्रणाम कर ले तो इनके द्वारा हमारी भक्ति ईश्वर तक पहुंच जाएगी इसीलिए हम संतों को ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं कि संतों के माध्यम से ही हमारी प्रार्थना उन तक पहुंच जाए तो आ, अब तक का जीवन आपका जो मनमुखी होकर के जो हमने कष्ट भोगा है सबके लिए किया लेकिन किसी ने हमारे लिए नहीं किया मतलब आपके लिए नहीं किया तो अब ईश्वर की कृपा से आपको आगे बढ़ना है ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करके माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी देवी का सानिध्य प्राप्त करके गुरु परंपरा को अपना करके और आप अपने जीवन को आगे यापन करें और जो खोया है वो वापस होना चाहिए मैया की कृपा से ठीक है की नहीं कपड़ा दे दें हाँ क्योंकि आपके साथ जो न्याय होना है वो शत्रु ने आपके साथ शुभ और सटीक न्याय नहीं होने दिया परिस्थितियाँ तो ऐसी बनती है कि जेल के भी योग बना देती है छूट गया गया नहीं अंदर अंदर जाने के क्या घर पर हाँ बना देती है मैं बोल रही नहीं कि गए कि नहीं गए मैं तो बना देती है बोल रही हूँ योग लेकिन ईश्वर दूसरा भी नहीं कोई मेरा नजदीक का ही है

जी जी और उस काल सर्फ दोष रहित में आ, अस्तम का राहु मृत्यु तुल कष्ट देता है परिवार ने ही आपको मृत्यु तुल कष्ट दिया अपनों ने ही कष्ट दिया जी, जी और आपको आरोप भी लगे हैं हम्म जो आपने जितना नहीं किया उसे कहीं अधिक आरोप लगा दिए हाँ बढ़ा के थोड़ा दस परसेंट का पचास परसेंट करके वा, बढ़ा के आ, हा, लेकिन हा, उसमें भी आप फिर साबित निकल गए हाँ ये बहुत कोशिश हुई हाँ तो ये इसका भी मूल कारण है